दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक लव राशिफल मार्च 2022। वृश्चिक राशि वालों, स्कॉर्पियो साइन वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति इस महीने कैसी रहने वाली है, आइए जानते हैं। दोस्तों ये लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों मार्च का महीना वृश्चिक राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है, बेहद खास बन जाता है और कुछ सावधानियों के लिए भी बेहद खास है। कुछ सावधानियां भी रखनी है आपको, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी ये बात निर्भर करती है ग्रहों के गोचर पर। ग्रहों के गोचर में तीन परिवर्तन होने वाले हैं, इन तीन परिवर्तनों को जान लेते हैं, उसके बाद में बताएंगे आपको कि आपके लिए आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहने वाली है। सबसे पहला परिवर्तन 6 मार्च को है, कुंभ राशि में बुध का प्रवेश होगा। दूसरा परिवर्तन बुध का दोबारा होगा जो कि मीन में बुध जाएंगे, नीच के हो जाएंगे 24 मार्च को, और 14 मार्च को मीन में सूर्य का प्रवेश होगा। तो ये तीन परिवर्तन है विशेष, और 31 मार्च को कुंभ में शुक्र जाएंगे तो ये मैटर नहीं करता क्योंकि ये पूरे महीने के लास्ट में जाकर के परिवर्तन हो रहा है। तो ये तीन परिवर्तन है जिससे आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में बड़ा बदलाव होगा। चलिए जानते हैं क्या बदलाव होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पूर्व आपको बता दें कि इस लव राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले उनकी जो सिंगल है, उसके बाद में लव लाइफ की, उसके बाद में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मैरिड लाइफ की और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं तीन राशियों के नाम। अगर उन तीन राशियों में से आपका किसी भी राशि का पार्टनर होता है तो आपके लिए महीना काफी खास बन जाता है। चलिए जानते हैं, लव राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बात करते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, जो बिल्कुल सिंगल है उनके लिए स्थितियां बहुत स्पष्ट हैं, बहुत क्लियर हैं कि यहाँ पर आपको एक अच्छा दोस्त जरूर मिलेगा इस महीने। आपके लिए बहुत स्थिति खास बन रही है अच्छा दोस्त पाने के लिए। लेकिन जो लोग किसी के साथ में वन साइड लव करते हैं, किसी को एक तरफा प्यार करते हैं या किसी को पसंद करते हैं, या कोई दोस्ती है किसी के साथ में जिसके साथ में आपकी फीलिंग है, वहां पर स्थिति बन रही है कि आपके लिए आपके तृतीयेश और चतुर्थेश, आपके तृतीयेश और चतुर्थेश दोनों की स्थिति ये कहती है कि आपके लिए ये महीना कुछ बहुत ज्यादा बदलने वाला है। कुछ ज्यादा क्या बदलने वाला है? एक तो यहाँ पर तृतीय भाव में चतुर्ग्रही योग शुरुआत में बन रहा है, फिर त्रिग्रही योग हो जाएगा, शुक्र मंगल का समागम तृतीय भाव में होना, मंगल का उच्च का होना, दोस्ती प्रबल और एक रिलेशनशिप बन जाना, या उसके साथ में बहुत ज्यादा हंसी मजाक, एक खुलना, फ्लर्ट करना, ये चीजें बहुत ज्यादा चलने वाली हैं। और अधिक मात्रा में स्थिति तब बन जाती है क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का परिवर्तन है वो परिवर्तन आपको ये दर्शाता है कि जो फीलिंग है वो बढ़ने वाली है उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति की आपके प्रति। तो ये फीलिंग 14 मार्च के बाद बढ़ेंगी, तो 14 मार्च के बाद में आप एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छे रिलेशनशिप में चले जाएंगे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपकी बन रही है। अब हम बात करते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ में आपके लिए आपके पार्टनर के साथ में सबसे ज्यादा बातचीत में झगड़े बहुत होंगे, पार्टनर को गुस्सा सबसे ज्यादा आएगा, आपको भी आएगा क्योंकि पूरे महीने मंगल उच्च के रहने वाले हैं, और वो भी मंगल का जो संबंध है वो संबंध शनि के साथ बनेगा। इस वजह से बात बात पर झगड़े होंगे, गुस्सा दोनों को आएगा, ईगो भी बहुत आएगा, और इसमें मंगल की चौथी दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ के थर्ड पार्टी को बढ़ा देगी। यहां पर मैं आपको कहूं कि ये स्थिति, क्योंकि षष्ठेश मंगल उच्च के हैं तो ये स्थिति दर्शाती है कि आप अपनी लव लाइफ में अगर जो कुछ खराब करेंगे तो वो खुद करेंगे, ज्यादा बोलेंगे, पार्टनर को किसी एक बात पर बार बार टॉर्चर करेंगे, फोर्स करेंगे तो वो आपको छोड़ देगा।
आप अगर ज्यादा इनसिक्योर फील करेंगे, क्योंकि ये महीना इसीलिए जाना जाएगा कि आप बहुत ज्यादा पार्टनर के पीछे भागेंगे। अभी तक पार्टनर आपके पीछे भागता था, लेकिन आप इस महीने पार्टनर के पीछे आप भागने वाले हैं। इस वजह से ये स्थिति बन रही है कि आप उसे खो देंगे, क्योंकि जिस पल से आप इनसिक्योरिटी फील करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा पजेसिव होने लगेंगे, तो आपके लिए स्थिति बन रही है कि वो व्यक्ति अब आप हाथ से आपके हाथ से निकलने वाला है। लव लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो सकती है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, और वो वजह यही है कि आप बहुत ज़्यादा उसे फर्स्ट प्रायोरिटी में मान लेंगे, उससे उम्मीदें लगा लेंगे। उम्मीदें आपकी जरूर टूटेंगी इस महीने, और उम्मीद टूटने से आप भी नहीं रोक पाएंगे। और उम्मीदें टूटना, अब उम्मीद अगर छोटी मोटी हो तो चल जाता है, अगर आपने शादी की उम्मीद लगा ली, कमिटमेंट की उम्मीद लगा ली, या आगे लॉन्ग लाइफ आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की उम्मीद लगा ली, तब आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है महीना, और बहुत ही भयंकर होने वाला है। और इस महीने आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो पता लगेगा 24 मार्च के बाद में। तो लव लाइफ आपके लिए बहुत खराब है अगर आप बहुत उम्मीद लगाते हैं, और नॉर्मल चलता है कि शादी करे ना करे, कमिटमेंट दे ना दे, या जो कर रहा है करने दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्थिति है, या वो स्थिति अपने दिल में मान लेते हैं तब आपके लिए ठीक है, और ऐसा मान नहीं पाएंगे क्योंकि बार बार ईगो हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा ईगो बढ़ेगा, जिद बहुत बढ़ेगी, और जिद्दीपन ही आपका आपको ले डूबेगा इस महीने। आपके लिए मैरिड लाइफ में डाइवोर्स की स्थितियाँ, झगड़े की स्थितियाँ, और किसी थर्ड पार्टी के साथ में पार्टनर का फिजिकल रिलेशन इत्यादि बहुत समय से है, ऐसी कुछ बातें आपको पता लग सकती हैं। ओवरथिंकिंग से परेशान रहेंगे, पार्टनर बार बार भरोसा तोड़ देगा इस महीने, कम से कम 5-10 बार तो भरोसा तोड़ेगा आपका, झूठ बहुत बोलेगा, और ये बातें आपको पता भी लग जाएंगी, इसी बात से आप परेशान रहेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की भी मैं बात करता हूँ, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति सही नहीं है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ ठीक हैं, लेकिन 24 मार्च से पहले, उसके बाद में यहाँ पर भी स्थितियाँ थोड़ी ख़राब हो जाएंगी, और ख़राब इसलिए होंगी क्योंकि आपकी बात पार्टनर सुनना नहीं चाहेगा, समझना नहीं चाहेगा, आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहेगा, तो पार्टनर का खुद से आपके प्रति व्यवहार बदल जाएगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब यह था आपका लव राशि फल, अब जान लेते हैं तीन राशियों के नाम। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, और तीसरी राशि है मकर राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तब भी आपको ये सावधानियां तो रखनी है, लेकिन महीना काफ़ी अच्छा बीतेगा। दोस्तों यह था आपका लव राशि फल, अगर आपको लव राशि फल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।